ब्लैक होल्स, मानो जैसे ये ब्रह्मांड के जानलेवा वेल्स हो, ऐसी चीज जो साइज में बहुत बड़ी होती है और इनका गुस्सा ऐसा जिससे रोशनी भी बच नहीं सकती। ये ब्रह्मांड के हर कोने में बेखौफ घूमते हैं और जो भी इनके रास्ते में आता है ये उसे निगल लेते हैं। और सबसे डरावनी बात तो ये है कि वैज्ञानिकों को ऐसा लगता है कि ऐसे ब्लैक होल्स सिर्फ हमारे मिल्की वे में ही करीब 1 अरब तक हो सकते हैं। लेकिन हमें इससे डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि पृथ्वी को इससे कोई खतरा नहीं, और वो इसलिए क्योंकि हमारे सबसे नजदीक गाया BH1 नाम का जो ब्लैक होल है वो हमसे 1560 प्रकाश वर्ष दूर है। यही नहीं, ब्लैक होल्स इतने छोटे होते हैं कि इनका पता लगाना काफी मुश्किल होता है। ये सुपर मैसिव ब्लैक होल से अलग होते हैं, जिनका द्रव्यमान हमारे सूर्य के द्रव्यमान से अरबों गुना ज्यादा होता है। लेकिन जब ये ब्रह्मांड के शैतान जाग जाते हैं तब ये अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज को खा जाते हैं। और अब एक ऐसा ही राक्षस नींद से जाग गया है। स्वागत है आपका विज्ञान 360 में। दोस्तों, आप ये जानकर जरूर चौंक जाओगे कि हाल ही में एस्ट्रोनॉमर्स ने ब्रह्मांड में अचानक से एक्टिव हुए एक सुपर मैसिव ब्लैक होल का पता लगाया है। 10 अरब साल पहले बने इस ब्लैक होल से निकलने वाली तेज रोशनी से संकेत मिलता है कि इसने तेजी से बड़ी मात्रा में चीजों को खाना शुरू कर दिया है, जिसे देखने के बाद वैज्ञानिक इस घटना को अब तक की देखी गई ऐसी एक्टिविटी के सबसे असाधारण उदाहरणों में से एक बताते हैं, जिसे J22-1951 ये नाम दिया गया है। वैसे एस्ट्रोफिजिसिस्ट के मुताबिक अभी के कुछ सालों में सुपर मैसिव ब्लैक होल्स की काबिलियत के बारे में हमने बहुत कुछ जाना और समझा है। ऐसी खोजों में तारों का टूटना और काफी बदलने वाली चमक वाले ब्लैक होल्स का अस्तित्व का पता लगाना शामिल है। लेकिन ब्लैक होल्स के बारे में दशकों से हमने जो भी जानकारी इकट्ठा की उसके बावजूद J22-1951 एक एक्सेप्शनल एग्जाम्पल हमारे सामने पेश करता है। आमतौर पर बहुत बड़े ब्लैक होल्स हर गैलेक्सी के कोर में रहते हैं, जो हमेशा एक्टिव नहीं होते। उदाहरण के लिए सेजिटेरियस ए को ही ले लो। इसके पास निकलने के लिए बहुत ही सीमित मात्रा में चीजें होने के कारण ये बाकियों के मुकाबले ज्यादा एक्टिव नहीं होता। ऐसे में सुपर मैसिव ब्लैक होल्स की एक्टिविटी कॉस्मिक टाइम स्केल पर अलग अलग देखी जाती है, यानी समय समय पर निगलने के लिए चीजों के मिलने पर इनकी एक्टिविटी सक्रिय और निष्क्रिय होती देखी जा सकती है। वही बात अगर J22-1951 की करें, तो इसकी खोज अचानक से हुई एक खोज थी। वो इसलिए क्योंकि इसकी खोज के पीछे की टीम असल में अचानक से कुछ देर के लिए हुई एक चमक की खोज कर रही थी, जो कि एक किलोनोवा घटना में न्यूट्रॉन सितारों के मर्जर से जुड़ी थी। हालांकि एक जैसा कलर शेयर करने के बाद भी J22-1951 के सिग्नल का ड्यूरेशन काफी अलग था, यानी जहां किलोनोवा की रोशनी आम तौर पर कुछ दिनों के अंदर ही फीकी पड़ जाती है, वही J22-1951 की चमक काफी लंबे वक्त तक बनी रहती है। लेकिन दोस्तों, कहानी यही खत्म नहीं होती। आगे की जांच में ये खुलासा हुआ कि ब्लैक होल से निकलने वाली रोशनी जैसा सोचा गया था उससे कहीं ज्यादा दूर तक सफर कर चुकी है, यानी 500 करोड़ नहीं बल्कि 10 अरब साल की दूरी ये तय कर चुकी है। यानी उस रोशनी की उत्पत्ति अंतरिक्ष और समय में उस खास जगह पर गैलेक्सी के केंद्र से हुई थी। कहने का ये मतलब हुआ कि देखी गई रोशनी बहुत ही तेज थी। इससे ये बात साबित होती है कि ये सिर्फ एक विस्फोटक घटना से नहीं बनी, बल्कि ये एक्सट्रीम एनवायरनमेंट के चारों ओर घूमने वाली चीजों से लगातार पैदा होने वाली रोशनी का संकेत है, जो तब बनती है जब वो एक सुपर मैसिव ब्लैक होल में गिरते हैं।
इससे ये पता चलता है कि अचानक से पैदा हुई ये रोशनी और उसकी तीव्रता हमें ये बताती है कि ब्लैक होल ने तेजी से बहुत ज्यादा मात्रा में चीजों को निगलना शुरू कर दिया और जो अब निष्क्रिय स्टेट से बदलकर तेजी से एक्टिव हो गया है। ऐसे में इस घटना के लिए दो पॉसिबल एक्सप्लेनेशंस है। पहला थोड़ा हाइपोथेसिस है और वो ये कि ब्लैक होल ने अपने खाने की शुरुआत अपने चारों ओर घूम रही एक डिस्क के चीजों को निगलकर शुरू की, ऐसी चीजें जो आखिर में ब्लैक होल के काफी करीब आ गई थी, जिसकी वजह से ब्लैक होल एक एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियस में बदल गया होगा। और दूसरा एक्सप्लेनेशन ये है कि हो सकता है कि एक तारा ब्लैक होल के बहुत नजदीक चला गया हो, जो फिर बर्बाद हुआ और बाद में शायद ये ब्लैक होल तेजी से एक्टिव हुआ होगा। इस प्रक्रिया को टाइडल डिस्ट्रप्शन इवेंट के रूप में जाना जाता है। अब इन दोनों एक्सप्लेनेशंस में से इसके लिए कौन सा सही है, ये जानने के लिए आगे के ऑब्जर्वेशंस किए जाएंगे। वही आपको बता दें कि इस बीच जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने ब्रह्मांड में अब तक खोजे गए सबसे पुराने ब्लैक होल की भी खोज कर ली है। जी हाँ, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा इकट्ठा किए गए ऑब्जर्वेशंस ने सूर्य के द्रव्यमान से 10 मिलियन गुना ज्यादा एक एक्टिव सुपरमैसिव ब्लैक होल का खुलासा किया, जो बड़ी ही तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि ये अपने आसपास की चीजों को खा रहा है। आप ये जानकर हैरान होंगे कि बिग बैंग से सिर्फ 570 साल बाद ये अब तक का खोजा गया सबसे पुराना बढ़ता हुआ सुपर मैसिव ब्लैक होल है। हालांकि वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि ये ज्यादा दिनों तक इस रिकॉर्ड को नहीं बनाए रख पाएगा। ये ब्लैक होल अब तक खोजी गई सबसे शुरुआती गैलेक्सीज में से एक के अंदर मिला, जिसे पहले EGSY-8P7 और अब CS-1019 के नाम से जाना जाता है। इसकी खोज हमें ये पता लगाने में मदद कर सकती है कि शुरुआती ब्रह्मांड में कम वक्त में ब्लैक होल्स आकार में आखिर इतने बड़े कैसे हुए। इस खोज के साथ जुड़े एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट ने कहा कि हमने सबसे दूर का एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियस और सबसे दूर का सबसे पुराना ब्लैक होल पाया है। पहले तो वैज्ञानिक शुरुआती ब्रह्मांड में तारों के बनते वक्त पैदा हुई रोशनी की जांच के लिए CS-1019 को अहम कड़ी के रूप में देख रहे थे। ऐसा माना गया कि लैमिन अल्फा उत्सर्जन नाम की ये रोशनी तारे के बनने की एक्टिविटी द्वारा न्यूट्रल हाइड्रोजन के आयोनाइजेशन से पैदा होती होंगी। वैसे शुरुआती ब्रह्मांड न्यूट्रल हाइड्रोजन के कोहरे से भरा हुआ था, जो रोशनी को फैलने से रोकता था। इस हाइड्रोजन के आयोनाइज्ड होने के बाद ही रोशनी बिना किसी रुकावट के प्रवाहित हो सकी। रीआयोनाइजेशन के इस दौर को अभी पूरी तरह से समझा नहीं गया है। हम जानते हैं कि बिग बैंग के बाद शुरुआत के कुछ अरब सालों में ये हुआ था, लेकिन शुरुआती ब्रह्मांड में इसे देखना वाकई में मुश्किल रहा। CS-1019 और मुट्ठी भर बाकी सुपर अर्ली गैलेक्सीज इस शोध के लिए एक्सीलेंट टारगेट हैं, क्योंकि वे बहुत चमकीले हैं। 2015 में हबल डेटा में गैलेक्सीज की पहचान जब की गई, उस वक्त सबसे शुरुआती सबसे दूर की गैलेक्सीज देखी गई थी, जिनको बाद के ऑब्जर्वेशंस में कंफर्म भी किया गया, लेकिन ज्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन मायावी बनी रही। ब्रह्मांड में सबसे शुरुआती रोशनी ब्रह्मांड के विस्तार की वजह से स्पेक्ट्रम के इंफ्रारेड हिस्से में इतनी दूर शिफ्ट हुई कि उनकी जांच के लिए JWST जैसे शक्तिशाली डेडिकेटेड इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ी। और इसीलिए जब JWST आया तो इस दौर की हबल गैलेक्सीज में सबसे चमकीली CS-1019 एक अहम लक्ष्य बनी। टेलीस्कोप ने अपने चारों इंस्ट्रूमेंट्स के साथ महज एक घंटे के लिए गैलेक्सी को देखा, उसके बाद उसने डेटा का खजाना ही मानो दे दिया। एस्ट्रोफिजिसिस्ट रिबेका लार्सन ने कहा, वो पल ऐसा था जब मुझे लगा वाव, वो सब देखो जो JWST के साथ हम देख सकते हैं। हमने इस गैलेक्सी के स्पेक्ट्रम के इस पूरे हिस्से को देखा,
ब्रह्मांड में पहले कभी ऐसी किसी गैलेक्सी को हमने नहीं देखा। जो जानकारी हमें मिली उससे मैं अभिभूत थी, लेकिन फिर उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसकी उम्मीद नहीं थी। स्टार फॉर्मेशन की रोशनी के अलावा उसमें कुछ ज्यादा उत्सर्जन की खासियत थी जो आमतौर पर AGN से जुड़ी होती है, और जब उन्होंने AGN के कुछ शोधकर्ताओं से इसका जिक्र किया तो चीजें और भी दिलचस्प होने लगी। आमतौर पर शुरुआती ब्रह्मांड में एक गैलेक्सी AGN से रोशनी या स्टार फॉर्मेशन से प्रकाश को बाहर निकालती है। दोनों को एक ही गैलेक्सी में देखना उम्मीद से परे था। हमें जो ब्लैक होल उत्सर्जन की लाइन दिख रही है उन पर ब्लैक होल का कुछ असर तो जरूर है, लेकिन ज्यादातर रोशनी जो हम अपनी इमेजेस में देखते हैं उस पर अभी भी गैलेक्सी के तारा बनने वाले हिस्से का असर ही देखने को मिला। 13.2 अरब साल पहले एक सुपर मैसिव ब्लैक होल को अस्तित्व में आते और बढ़ते हुए देखा गया। ये उतना आश्चर्यजनक नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। शुरुआती ब्रह्मांड में कई ब्लैक होल्स का पता चला। वैज्ञानिक अभी भी ये नहीं जान पाए हैं कि उन गैलेक्सीज में ब्लैक होल इतने बड़े पैमाने पर कैसे बने, वो भी ब्रह्मांड की शुरुआत में। लेकिन वेब की तकनीकी काबिलियत के साथ हम जल्द ही इसका पता लगा लेंगे। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। विज्ञान से जुड़ी ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल विज्ञान 360 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।